नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं कि जो फ्लैश स्टोरेज है वो क्या चीज है। आपने काफी बार कहीं कहीं पर जो है इसका नाम सुना होगा कि फ्लैश ड्राइव, फ्लैश स्टोरेज, फ्लैश पेन ड्राइव, के काफी सारे नाम होते हैं और मोबाइल के अंदर भी फ्लैश किया जाता है। वो सब मतलब होता क्या है, फ्लैश ड्राइव या फ्लैश स्टोरेज जो है होता क्या है, इन्हीं सब की बात इस वीडियो में हम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नीचे सब्सक्राइब बटन आपको मिल जाता है, दोबारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके सामने बेल आइकन है नोटिफिकेशन के लिए इसे भी प्रेस कर दे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक सवाल बार बार यहाँ पर निकल के आता है जब भी आप ये नाम सुनते हैं, फ्लैश स्टोरेज या फिर फ्लैश ड्राइव, फ्लैश मेमोरी, काफी सारे नाम हैं। तो एक सवाल निकल के आता है कि फ्लैश स्टोरेज, मेमोरी, ड्राइव मतलब होता क्या है, मतलब क्या चीज है। मोबाइल के अंदर भी देखने को मिलती है आपको, लैपटॉप के अंदर भी देखने को मिलती है, काफी जगह आपको इनके नाम मतलब देखने को मिल जाते हैं। या फिर एक पेन ड्राइव आप परचेज करते हैं नया, तो उसके ऊपर भी लिखा हुआ होता है फ्लैश ड्राइव या फिर फ्लैश स्टोरेज सिस्टम, काफी कुछ जो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। फ्लैश स्टोरेज होता क्या है, व्हाट इज फ्लैश स्टोरेज, तो एक सवाल यहाँ पर निकल के आता है जिसकी बात इस वीडियो में हम कर रहे हैं। तो फ्लैश स्टोरेज क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ अपनी भाषा में, साधारण सी भाषा में, जैसा कि आप समझ पाए। फ्लैश स्टोरेज होता है वो सिस्टम, जैसे कि आपके पास है पेन ड्राइव या फिर है कि मेमोरी कार्ड या फिर आपने कंप्यूटर, बड़ा सा जो कंप्यूटर का बॉक्स होता है जिसमें मदरबोर्ड वगैरह लगे हुए होते हैं, उस बॉक्स के अंदर आपने देखी होगी हार्ड डिस्क, जैसा कि आप इन्हें चित्र के अंदर या फोटोज के अंदर देख पा रहे हैं, वो भी स्टोरेज हैं सारे के सारे। लेकिन फ्लैश स्टोरेज जो है इनसे थोड़ा सा अलग होता है। अगर आपके सिस्टम में कोई ओल्ड मॉडल की हार्ड ड्राइव लगी हुई है और मदरबोर्ड के अंदर ऐसी कोई फ्लैश चिप नहीं लगी हुई है, काफी सारे कंडीशन में मदरबोर्ड के अंदर भी फ्लैश चिप नहीं पाई जाती है। आजकल जो मदरबोर्ड आए हुए हैं उनके अंदर शायद आपको मिल जाए किसी महंगे मदरबोर्ड के अंदर, लेकिन पहले आपने देखा होगा कि विंडोज XP हुआ करती थी या फिर आजकल कुछ दिन पहले विंडोज 7 थी, उसके बाद 8 निकल के आई, विंडोज 10 निकल के आई है। तो सीधा सा उदाहरण आपको देता हूँ कंप्यूटर के द्वारा। कंप्यूटर नॉर्मली आपने देखे हैं, चलाए भी होंगे, तो विंडोज XP का हम यूज करते थे। बार बार जो है बिजली चली जाती थी, हमारे पास पावर का बैकअप नहीं होता था, कंप्यूटर एकदम से शट डाउन हो जाता था। और जब कंप्यूटर को हम ऑन करते थे तब वो बोलता था कि इसके अंदर जो है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आप एक CD ड्राइव लगाएं या फिर कुछ मतलब लगाकर इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालें, वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा उड़ जाता था। ऑपरेटिंग सिस्टम था वो विंडोज XP जिसे हम यूज करते थे, उसी को जो है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो वो उड़ जाता था। क्यों उड़ जाता था, क्योंकि उसके अंदर कोई फ्लैश ड्राइव या फिर कोई भी स्टोरेज इस प्रकार का नहीं था जिसके कारण वो बचा रह सके। लेकिन आजकल जो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप निकल के आए हुए हैं, अगर आप नॉर्मली लैपटॉप को लेके चले तो उसके अंदर आपको जो है फ्लैश ड्राइव मिलती है, फ्लैश स्टोरेज मिलता है। नॉर्मली मोबाइल के अंदर ज्यादा देखने को आपको मिलेगा, हर मोबाइल के अंदर जो भी स्मार्टफोन निकल के आजकल आए हुए हैं उनके अंदर सिर्फ जो है फ्लैश स्टोरेज का ही प्रयोग किया जाता है। किसी प्रकार का जो है यहाँ पर घूमने वाला कोई भी मतलब जो डिस्क है या फिर जो CD वगैरह आपने देखी है उस जैसा कोई सिस्टम नहीं होता है। CD से एक चिप होती है और वो भी जो है फ्लैश ड्राइव होती है, उसके अंदर डेटा स्टोरेज करने के बाद काफी सिक्योर रहते हैं, इनक्राइप्ट वगैरह करके वो रखती है। नॉर्मली मान लीजिए आपने डायरेक्ट ही मोबाइल की बैटरी निकाल ली, चलते हुए मोबाइल की बैटरी आपने शायद काफी बार निकाली होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, आपने किया होगा ऐसा, उसके बावजूद भी आपका मोबाइल जो है चलता रहता है। बाद में आप बैटरी डालते हैं, डायरेक्ट ऑन करते हैं तो मोबाइल ऑन हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर एक फ्लैश स्टोरेज है। वो फ्लैश स्टोरेज जो है उस डेटा को निकलने नहीं देता है, जो सॉफ्टवेयर वगैरह उसके अंदर डाले हुए हैं वो कहीं पर भी नहीं जाते, उसे पता होता है कि कभी भी जो है पावर कट हो सकता है, तो उसके चलते वो बराबर जो है उसे उसी प्रकार से सिस्टम में समाये रखता है। अब आजकल जो लैपटॉप निकल के आए हैं उनके अंदर सॉलिड स्टेट मेमोरी होती है, तो उसके साथ भी ये फ्लैश स्टोरेज वाला सिस्टम उन्हीं के अंदर यहाँ पर होता है। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसी के अंदर होता है। नॉर्मली अगर बैटरी खराब है आपके लैपटॉप की, काफी बार आप चार्जर लगाकर ही लैपटॉप को अगर यूज लेते हैं या फिर डायरेक्टली कोई हैंगिंग वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप पावर की दबाकर उसे क्लोज कर देते हैं, या फिर आप ले लीजिए कि डेस्कटॉप कंप्यूटर को उसको भी रिस्टार्ट करते हैं, रिस्टार्ट का एक डायरेक्ट बटन होता है उसे दबाते ही कंप्यूटर जो है आपका रिस्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल शट डाउन हो जाता है, एकदम से पावर कट होकर जो है तुरंत ही शुरू होता है। तो उसके चलते जो है विंडोज 10 वाला अगर आपके पास आजकल का लेटेस्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो उसके अंदर भी किसी प्रकार से विंडोज लॉस होने का यहाँ पर कोई भी सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा। विंडोज अगर थोड़ी बहुत करप्ट हो जाती है फाइल, तो वो जो फ्लैश ड्राइव है फिर फ्लैश स्टोरेज है उसके अंदर उसके बैकअप डेटा यहाँ पर पहले से ही मौजूद होते हैं, वो बैकअप डेटा
जो है उसे फिर से यहाँ पर रिपेयर करने में मदद करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। जैसे ही सिस्टम स्टार्ट होता है उसी के नीचे या फिर बैकग्राउंड के अंदर वो प्रोसेसिंग हो चुकी होती है, क्योंकि आजकल के जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा फास्ट है, तो इसके चलते ये सब काम करते रहते हैं। इसी को बोलते हैं फ्लैश ड्राइव, जो कि हमारे डेटाज को या फिर किसी प्रकार के सिस्टम फॉल्ट या फिर पावर कट होने पर हमारे डेटाज या फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी यहाँ पर खराब नहीं होता है या फिर खराब होने नहीं देता है। उसके जो फ्लैश स्टोरेज, फ्लैश मेमोरी, जो भी आप इसका नाम लें वही होता है। तो दोस्तों आपके सवाल का जवाब शायद मैंने दे दिया होगा। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियो रोज देखते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन यहाँ पर मिल जाएगा, उसके सामने बेल आइकन है नोटिफिकेशन के लिए उसे भी प्रेस कर दे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक यहाँ पर जरूर कर दे और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आपके साथ ऐसी परेशानी कब कब हुई, कहाँ कहाँ हुई, कितनी बार हुई, आज भी हो रही है या फिर मतलब क्या क्या समस्या है आपके साथ है, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स आपको मिल जाता है। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।